एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना सुपर लाइफ। और आज का ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, एज यू कैन सी ऑन माय फेस, आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हो वो खुशी। आज सुबह ही मैंने अपना वेट चेक किया और आई लूज 5 kg इन जस्ट 1 month। इस 5 kg मैंने लूज़ किया है इस महीने में। मुझे लगा कि जल्दी से मैं ये वीडियो बना दूँ। जो लास्ट मेरा वेट था वो था 70 और नाउ आई एम 64। हो सकता है किसी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी 5 kg, मतलब ठीक है 5 kg तो किया है ऐसा होगा, बट मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और मुझे आज इतना मोटिवेट फील हो रहा है, इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। आपको दिख रहा होगा मे भी, जब लोग आपको कमेंट करते हैं और पूछते हैं आपके पास में आके कि आप क्या कर रहे हो वेट लूज़ के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। इट डजेंट मैटर कि आप कितना वेट लूज़ कर रहे हो, ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक स्टार्ट करने की, कोशिश करने की। आप कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि आप सोचते रहें और वेट लूज़ हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा कि यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट एकदम से आपका वेट ऐसे जाए ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ये है मेरा वेट लूज चार्ट और 15 जुलाई को मैंने लिखना स्टार्ट किया था। इससे 2-3 दिन पहले ही मैंने अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब एक्सरसाइज करना, डाइट फॉलो करना, वो सब कुछ स्टार्ट किया था। और हर 2-3 दिन में मेरा जो वेट है वो बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा था। तो आप देख सकते हैं मेरा 15 जुलाई को 69.5 हो गया था, 1 kg मैंने कम कर लिया था। 19 जुलाई को 68 हुआ, 23 जुलाई को 67 हुआ, फिर 29 जुलाई को 66 पे अटक गया था, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे वेट कम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये है मेरा टारगेट 58 kg पे मुझे पहुंचना है। और मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट मंथ में मैंने जो गलतियां की, जो चीटिंग्स मैंने की हैं, वो मैं ना करूं और जल्दी से जल्दी मैं अपना जो टारगेट है उसको अचीव करूं। सो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था कि कई लोग अगर सोच रहे हैं बहुत टाइम से कि मैं वेट लूज़ करना चाह रही हूँ, ओके करेंगे इस तरीके से, तो अगर आप सोच रहे हैं तो स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सोचने से आपका वेट लूज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो टारगेट बनाइए, अपना चार्ट बनाइए, आपका टारगेट जो है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो देखो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट हाँ सिंपल भी नहीं है। एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने मेरी डाइट में क्या चेंजेस किए, क्या एक्टिविटीज़ मैं कर रही हूँ अभी। कोई एक पर्सन भी अगर इस वीडियो से मोटिवेट होता है ना और वेट रिड्यूस करने के लिए अगर कल से कोशिश करता है, तो मेरा मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का वो पूरा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।